सुंदर मेरा यश सुंदर है लहू में उसके कुदरत है बदलता सबकी सीरत है कैसी उसकी अजमत है सुंदर मेरा यश सुंदर है नाज़रीन प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल है जो आपके ज़हन में उभरता है, या कोई और दुआया दरख्वास्त है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमसे रابطہ कर सकते हैं। हमें आपके साथ बात करके और आपके साथ दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह खुदा आम लोगों को बुलाता है अपने स्कूल में डालने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन में यानी स्कूल ऑफ फेथ में हमें वो शामिल करता है ताकि वो हमारे ईमान को परखे, हमें हमारे ईमान में हमारी ज़िंदगी में मजबूत करे। और हम देख रहे थे कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम को बुलाया फ्रॉम नो वन टू बी अ ग्रेट वन, और आज वो फादर ऑफ नेशंस है। आज हम एक और शख्स के बारे में देखना चाहते हैं और वो है शख्स जिसका नाम है यूसुफ़। एंड वी विल सी कि कैसे खुदावंद हमें फ्रॉम अ पिट टू अ पैलेस, हमें हमारी जो अथाह गड़े की हालत, हमारी बहुत पस्त हालत में से खुदा हमें सरफराजी की तरफ लेके जाता है। क्या ये आसान है? ये सफ़र जो है शायद बहुत सारे सालों पर मुहित है, लेकिन हम बाइबल के चंद सफ़ों में इसका जिक्र जो है वो पढ़ लेते हैं। सो जोसेफ़ जो याकूब का बेटा है और 11वां बेटा है, 12 भाई एक बहन, और खुदावंद के कलाम में इसका जिक्र आता है पदाइश की किताब उसकी 37 बाप में। याकूब कनानी मुल्क में रहता था जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। और उसकी नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और ज़िल्फ़ा के बेटों के साथ रहता था और उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। इसराइल यूसुफ़ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उससे उसने एक बुकल मोन खबा भी बना दी थी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुगज़ रखने लगे और ठीक तौर से उससे बात भी नहीं करते थे। राइवलरी है सिबलिंग्स में। याद कराना चाहता हूँ कि याकूब जब शादी करता है तो इसके जो ससुर थे उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी है कि हम शादी करने के लिए तुमसे कुछ काम कराना चाहते हैं। और एक छोटी बहन रेचल है जिसको वो प्यार करते, तो उनसे वो शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि 7 बरस तू काम कर मेरे लिए, तो फिर ये मैं तुझे दे दूँगा। और फिर जब वक्त आया शादी का, 7 साल के काम करने के बाद, तो बाप ने एक बार फिर से उसकी जो कंडीशन थी ना उसको बदल दिया और बजाय राखिल के उसको अपनी बड़ी बेटी लिया से ब्याह दिया और कहा कि हमारा दस्तूर है कि जब तक बड़ी बेटी की शादी ना हो जाए हम छोटी बेटी को दे नहीं सकते। तो काफ़ी उसको मायूसी हुई, लेकिन हम देखते हैं कि उसने कहा कि ठीक है, बाप के उस ससुर की
दरख्वास्त के मुताबिक अब तुम्हें 7 बरस और काम करना पड़ेगा अगर तू चाहता है कि वो राखिल भी तुझे मिल जाए, रेचल भी तुझे मिल जाए। एंड ही डिड। अब हम देखते हैं कि लिया है, लेकिन इनकी 2 लौंडियाँ भी होती थी और वो भी ऐसे घर का हिस्सा होती थी, तो वो उनके साथ भी करते थे, अपना मुबाशरत करते थे और बच्चे उनसे भी पैदा होते थे। तो इस तरह से ये तादाद जो है 12 और 1 13, 12 भाई 1 बेटी 1 बहन, 13 लोगों पर मुहित ये ख़ानदान है। और यूसुफ जो है वो 17 बरस की उम्र में खुदावंद की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसको एक ख़ास मकसद के लिए चुनता है। सो ही इज़ गॉट अ प्लान फॉर दिस यंग फेलो। और हम देखते ये हैं कि किस तरह खुदा ही इनिशिएट करता है हमें बुलाने में, हमें वो चुनता है, हमारी ज़िंदगी पर अपनी नज़र करता है और हमें कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे। अब हालात जो हैं ऐसे हो जाते हैं कि हम जान नहीं सकते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन गॉड इज़ एट वर्क। खुदावंद दिल पर नज़र करता है। हालांकि 11 भाई और भी हैं, क्यों नहीं उनको, लेकिन यूसुफ को। और इसके लिए हम देखते हैं कि 37 से लेकर 50 बाप तक पैदाइश में ये जो सारे चैप्टर्स हैं ना इस इंसान की ज़िंदगी के बारे में, बेशक दूसरी डिटेल्स आती हैं ज़िंदगी में इधर उधर दूसरे भाइयों की भी, लेकिन मेन जो मरकज़ी करदार है ना वो इसका है। और यूसुफ को अगर हम देखा जाए तो इसको हम देख सकते हैं कि ही इज़ काइंड पैरेलल टू जीसस। जैसे जीसस यानी यीशु मसीह की ज़िंदगी थी, वैसे ही हम देखते हैं कुछ पैरेललिज्म इसमें हमें नज़र आता है। दोनों एक तरह ऐसे मुताबकत खाते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे कि वो जवानी में खुदावंद की नज़र उस पर आती है, फिर उसके भाई उससे नफ़रत करते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के जो भाई थे और लोग जो थे, लीडरशिप जो थी, उनसे नफ़रत करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आगे चल कर के वो मरवाने की कोशिश भी करते हैं और वहाँ पर भी साजिश होती है यीशु मसीह के ख़िलाफ़। और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह खुदावंद ने उनके प्लान्स के मुताबिक, बेशक वो जैसे सोच रहे थे कि ख़त्म ही हो गया है, लेकिन रेजरेक्शन दी है। खुदावंद यीशु मसीह की भी रेजरेक्शन हुई और भाई और बहुत से लोग उसके पास आए। यूसुफ की जब होती है इस हालत में से निकल कर सरफराजी, यानी एक बार फिर से आला मर्तबा और जब जलाल मिलता है, तो ये भाई सब आकर उसको फिर से मिलते हैं और एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन है, लेकिन रेस्टोरेशन है जो हम देख सकते हैं। सो क्या होता है, यू कैन फाइंड योर सेल्फ इन अ पिट व्हेन यू आर चोजन एज अ हेयर। बाप ने ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्यार का इज़हार किया, वो रेचल का बेटा था, 2 बेटे रेचल के यानी राखल जिसको वो प्यार करता था, याकूब, एक यूसुफ और एक बेंजामिन। तो ये 11वां नंबर, वो 12वां नंबर का बेटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप विरासत में आते हैं ना, तो ये आपको मुश्किल में डाल सकता है। सी पीपल आर जेलस, आपकी कामयाबी को, आपकी फेवरेट, आपकी फेवर को लोग आसानी से हज़म नहीं कर सकते हैं। और बहन भाई भी, ये सारे भाई उससे नफ़रत करने लगे। और ना सिर्फ ये था, बल्कि हम देखते हैं कि किस तरह बाप ने तो सब कुछ उसको दे दिया, उसको ये जो कोट बना के दिया, इसका मतलब ये था कि ही इज़ गोना बी अ लीडर। वो अपने 11 भाइयों में 12 भाइयों में जो है एक रानवा की हैसियत रखेगा। ये मुख्तलिफ रंगों का जो कोट बना के देना था, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ साइन कि ये स्पेशल है। कोई वजह होगी कि वो खुदा में ऐसा कर रहा है। बाकी भाई भी तो थे, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी कोई ना कोई वजह है कि याकूब ने उन पर नहीं बल्कि यूसुफ पर अपनी फेवर जो है वो दिखाई है। अब हम देखते हैं कि एक और प्रॉब्लम भी आ गई कि जो आपको खुदावंद अपने ख्वाब दिखाता है या विजन दिखाता है या अपनी डायरेक्शन देता है, जब आप दूसरे लोगों को बताते हैं जो कि रॉन्ग लोग हैं, तो वो आपको इस अथाह गड़े में पहुंचा सकते हैं। यूसुफ ने कहा कि मैंने ख्वाब देखे,
ख्वाब ये देखें कि हम अपने खेत में पूले जो हैं वो बांध रहे हैं और सब पूले जो हैं वो खड़े हैं और मेरा पूला बीच में है और सबके पूले जो हैं झुक कर मुझे मेरे पूले को सजदा करते हैं। तो भाइयों को ये बात बिल्कुल ना भाई, उन्होंने कहा तेरे कहने का क्या मतलब है कि हम सब के सब तेरे आगे झुकेंगे। फिर उसने एक और ख्वाब देखा और एक ख्वाब यही था कि मैंने देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद, ये सब झुक कर मुझे सजदा कर रहे हैं। अब बाप ने भी जब सुना तो कहा कि ये क्या मेरे बेटे, तू हमें बताता रहता है, क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सब मिलकर ऐसे तुझे तेरे आगे झुकेंगे? तू हमारा रहनुमा होगा, तुम्हारा लीडर होगा। अब भाइयों को तो ये बात ना भाई, लेकिन बाप ने ये बात अपने दिल में रखी। खुदावंद हमसे बात करता है विजन्स के ज़रिए से, ख्वाबों के ज़रिए से हमें दिखाता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हम किधर को जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या होगी, हमारा फ्यूचर क्या होगा। बट एवरीबडी डजंट लाइक इट। अब चूंकि ये हो रहा है तो भाई मिलकर साजिश करते हैं कि हम इसको अपनी राह से कैसे हटाएं। ये तो ताबेदारी करना चाहता है, बीइंग ओबीडियंट कैन लीड यू टू द पिट आल्सो, बीइंग ओबीडियंट अमंग जेलस ब्रदरन कैन लीड टू अ पिट। यही हुआ। अब उसने जब उनको बता दिया तो भाइयों ने सोचा कि कैसे हम इसको अपने रास्ते से हटा दें। सो एक दफ़ा सब लोग थे वहाँ पर सिकम के इलाके में, तो वहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरा रहे। बाप ने कहा कि जा बेटा अपने भाइयों के लिए रोटी ले जा, और उन्होंने प्लान्स बना रखे थे। देखा दूर से कि आ रहा है ख्वाबों का देखने वाला, तो कहने लगे कि चलो हम इसको अपनी राह से हटा देते हैं। जेलसी आ जाती है व्हेन यू आर पॉपुलर, व्हेन समबडी बिस्टोज फेवर ऑन यू, पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। इस दुनिया में रहते हुए भी अगर आप थोड़ी सी तरक्की हासिल करते हैं, अगर बॉस आपको फेवर से देखता है बिकॉज ऑफ रीज़न, शायद आपकी कोई अच्छी खसूसियत है, कोई आपकी एक सिफ्ट है जिसके वजह से वो आपको फेवर देता है, एंड अदर्स आर नॉट हैप्पी, दे आर जालस, तो कोशिश क्या करते हैं कि वो आपके रास्ते में आकर आपके रोड़े जो हैं वो डालें और आपके लिए मुश्किल पैदा कर दें, हो सके तो वो आपको अपने उस रास्ते से हटा भी दें। यहाँ पर भाई ये करना चाह रहे हैं, उसी घर में रहने वाले, उसी बाप के बच्चे, वो कहते हैं कि आओ हम इसको अपने रास्ते से हटा दें, हम इसको मार देंगे। फिर बड़े भाई ने कहा, रूबन ने, कि ऐसा नहीं करते हम, इसको चले अथाह गड़े में, एक गड़े में डाल देते हैं, सूखा खून जैसे होता है कुआं, उस पे हम डाल देते हैं और देखेंगे फिर अगर उसकी किस्मत हुई तो वो बचेगा, क्या उसका हाल होता है। खुदावंद इस स्कूल ऑफ फेथ में यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि काम कर रहा है, क्योंकि यूसुफ जो है वो खुदावंद से डरने वाला बच्चा है, 17 साल का है, और अब ये हालत हो गई कि उसके भाई उससे नफरत कर रहे हैं। हालांकि उनके रोटी लेके गया, लेकिन उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि उसको अपने रास्ते से हटाना चाहे। लेकिन खुदावंद की टाइमिंग देखें, खुदावंद के स्कूल में जो काम हो रहा है ना, ऑर्केस्ट्रेशन, बिहाइंड द सीन गॉड इज वर्किंग। अथाह गड़े में डाल दिया और जब रोटी खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक काफला आ रहा है। कत्ल का मंसूबा तो बांधा ही था, लेकिन काफले को देखकर उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इस काफले के हवाले, इस्माइलियों का एक काफला था, जलाद से आ रहा है और काफ़ी चीज़ें वो लेके आ रहे हैं, तो कहने लगे कि क्यों ना हम इसके हाथ बेच डालते हैं, इनके हाथ अपने भाई को, क्योंकि वो हमारा भाई है और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली और फिर हम देखते हैं कि एक भाई के कहने पर ये सब कुछ हुआ, और मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे, उन्होंने यूसुफ को खींच कर गड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपये में बेच डाला, और वो यीशु को मिस्र में ले गए। प्रभु यीशु मसीह को भी बेचा गया था, उसकी
उसके जैसे इवज़ ले लेते हैं आप, प्राइस फॉर अ लाइफ। यहाँ पर मिस्र को ले जाने के लिए इस्माइलियों के हाथ में कर दिया। रूबन गड़े पर आकर देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पैराहन चाक किया। फिर उन्होंने भाइयों ने क्या किया कि वो कोट जो था उसका ले लिया और उसको एक बकरी ज़बह करके उसका खून लगाकर बाप के पास ले गए और कहा कि किसी जंगली जानवर ने उसको फाड़ खाया है, मर गया। यकूब बहुत रोया लेकिन खुदा काम कर रहा था। सो पहुंच के मिस्र में, अब इस काफ़िले ने, इस सौदागरों का जो काफ़िला था, उन्होंने मिस्र में लाकर यूसुफ को फोतीफार, एक बहुत बड़ा फ़राउन का हाकम था, जिलोदारों का सरदार था, उसको ख़रीद लिया, उसके हाथ बेच दिया। तो इसने ख़रीदा और खुदावंद यूसुफ के साथ था, इसलिए वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। चूंकि यूसुफ उसकी नज़र में मकबूल ठहरा, वही उसकी खिदमत करता था और उसने अपने सारे घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे दे दिया। उसने कहा कि सब कुछ तेरे हाथ में है, और इसकी वजह से उस मिस्री के घर में खुदावंद ने बड़ी बरकत डाली। उसकी सब चीज़ों पर जो घर में खेत में थी, खुदावंद की बरकत होने लगी और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवा रोटी के जैसे वो खा लेता था उसे किसी चीज़ का होश ना था, और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। ए यंग फेलो, चार्मिंग, हैंडसम, खूबसूरत लिखा है, हसीन है, फेयर है। खुदावंद का हाथ उसके साथ है। पिट में से अब मिस्र में आ गया, एक बड़े अफसर के घर में, और उसने कहा कि तेरी वजह से तो मेरे घर पर बहुत बरकत आ गई है। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ द होल अफेयर, तू मेरे घर का सारा मुख्तार होगा, जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बड़ा अच्छा है, लेकिन दिस इज़ नॉट इट। खुदावंद के इस स्कूल में, इस जर्नी ऑफ फेथ में, इस स्कूल ऑफ फेथ में, देर आर टेस्ट्स, देर आर एग्जाम्स, देर आर क्विजेस, देर आर असाइनमेंट्स, देर आर प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव टू डू। अब जिंदगी के इस सफ़र में सब कुछ अच्छा चल रहा है। शायद यूसुफ अब कुछ देख रहा है कि खुदावंद क्या कुछ करने वाला है। अपनी ज़िंदगी में कुछ खुशी आ गई, उस मुश्किल में से निकला, बहन भाई छूट गए, माँ बाप से दूर हो गया, लेकिन एक अच्छी ज़िंदगी मिल गई, एक और घर मिल गया। इधर गैर कौम है, गैर मुल्क है, लेकिन खुदावंद उसके साथ है। सी दैट्स द मेन थिंग, अगर खुदावंद हमारे साथ है, जहाँ भी हम हैं वो हमें वहाँ सरफराजी अता कर देता है। लेकिन हमारा मौजी, हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ शैतान इस खूबसूरती को, इस कामयाबी को देख नहीं सकता। एंड समहाउ गॉड स्टिल यूजेस दैट टू मैच्योर अस, हमारे करैक्टर को, हमारे किरदार को मजबूत करने के लिए वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। अब हुआ ये कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस पोतीफार की बीवी की नज़र इस पर पड़ती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है, और उससे बार बार इसरार करके कहती है कि तू मेरे साथ हम बिस्तर हो। इट्स अ वेरी, ह्यूमनली स्पीकिंग, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अपने आप को वो और मजबूत कर ले, कंसोलिडेट कर ले। मालिक की बीवी के साथ ऐसे ताल्लुकात जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं, मरासम जो हैं, ऐसे बना ले कि वो हमेशा के लिए शायद वहीं रहे। इट कुड हैपन, बट ही डिडंट वांट इट। उसने उसको जवाब दिया कि मैं ऐसा करके अपने मालिक की नज़र में नहीं, उसने कहा मैं खुदा की नज़र में गुनाहगार नहीं बनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस ईवल इन द साइट ऑफ माई गॉड। नाउ दिस इज अ मैन हु इज़ इन द स्कूल ऑफ फेथ। ईमान के इस सफ़र में खुदावंद ने इसको इस प्रोग्राम में शामिल किया है और इसकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, और खुदावंद देखता है और कितना खुश होता है। What a delight for God कि ये मेरा बच्चा है, और देखो ये इस आजमाइश में कैसे पूरा उतरा है। उसकी बीवी उसके पीछे पड़ी रही
ऐसे कि जैसे नाक में दम कर दिया। एक दिन कोई भी नहीं था घर पर, तो उसने कहा कि आज बहुत अच्छा मौका है, आज तो मैं इसको ज़बरदस्ती पकड़ लूँगी। लेकिन लिखा है कि वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर वहाँ से भाग निकला। सी दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू। जब हम आजमाइश में इतने करीब आ जाते हैं तो हमें भी यही कहा गया बाइबल में कि उनसे भाग जाओ, छोड़ दो उनको उधर ही, वरना ये तुम्हें लपेट लेंगी और अपने काबू में कर लेंगी। जोसेफ रैन अवे, बट इस औरत ने झूठी कहानी बनाकर कहा कि ये शख्स जब मैं अकेली थी आ गया, मुझ पर हमला किया, मैंने पुकारा तो भाग गया है। ये देखो इसका पैराहन मेरा हाथ में। व्हाट अ स्टोरी, टेक्स अ ट्विस्ट, बट गॉड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि दिस इज नॉट द डेस्टिनी। अभी मंजिल नहीं आई, स्कूल ऑफ फेथ में अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। जेल पहुंचा दिया गया झूठे इल्जाम में। क्या गुजरती होगी? आई मीन समटाइम्स यू वंडर, यू क्वेश्चन गॉड, गॉड व्हाट डिड आई डू, तूने मुझे क्यों यहां पहुंचा दिया। सो फ्रॉम अ पिट टू अ प्रिजन, प्रिजन में पहुंच गया। और ये प्रिजन खास लोगों की थी, क्योंकि ये लीडर्स हैं ना, ये फ़राउन के हाकमों के, जो फ़राउन के जो ख़ास लोग अपना गुनाह या इल्ज़ाम जिन पर होता था उनको कैद में रखा जाता था यहाँ पर। वहाँ पर खुदावंद उसको इस्तेमाल करता है। खूबसूरत बात देखिए कि खुदावंद की नज़र उसके ऊपर थी, खुदावंद का हाथ उस पर था, तो वहाँ पर भी जलोदारों का जो सरदार है, जो दरोगा है, जेल का सरदार जो है, उसने कहा कि यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन प्रिजन, यू बी द लीडर। कैसी बात है ना। वहाँ घर पर बाप ने कहा कि तू लीडर होगा भाइयों में, या फोतीफार के घर में कहा कि मैं मालिक हूँ लेकिन लीडर तू है मेरे घर का, या प्रिजन में दरोगा ने कहा कि इंचार्ज तो मैं हूँ, आई एम द जेलर बट यू आर इंचार्ज, तू है लीडर नंबर टू, यू विल डू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। खुदावंद कैद की हालत में भी हमें इस्तेमाल कर सकता है, मुश्किल वक्तों में भी हमें इस्तेमाल कर सकता है।